हमारे फयाज भाई हैं, एक्स फोर्ड प्रेसिडेंट हैं, साथ में बालकिशन अन्ना टीडीपी टाउन प्रेसिडेंट, पापा खान साहेब डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट एंड एक्स ऑप्शन मेंबर हैं, अमर भाई सेवादल सिटी प्रेसिडेंट, शाम भाई एक्स वक्फ बोर्ड वाइस प्रेसिडेंट, कुपाल रवि टीएनएसएफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टीडीपी, सतीश यादव जी यूथ प्रेसिडेंट टीडीपी, स्वराज लक्ष्मी गारु महिला प्रेसिडेंट टीडीपी, देवीदास गारु डीसी सेल प्रेसिडेंट टीडीपी, जे सुरेश गारु एससी सेल प्रेसिडेंट टीडीपी, बालू गारु टीएनएसएफ टाउन प्रेसिडेंट टीडीपी, एसके अफरोज गारु मैनारिटी प्रेसिडेंट टीडीपी, यूसुफ गारु डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी टीडीपी, मरी मार्कंडे बीसीसीएल पी लिंगम गारु रामुल गारु और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो आज टीआरएस पार्टी में शामिल होने के लिए यहाँ पे आए। सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आप सबका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ, शुक्रिया भी करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा पार्टी का जिम्मेदारी भी और बढ़ता जाएगा। और आज यहाँ पे हमारे एमएलए साहब हैं गणेश गुप्ता जी, हमारे एमएलसी मैडम हैं आकुला ललित गारु, मेयर अम्मा सुजातम्म गारु, नालम किशन गारु, नवनीत गारु, गंगारेड्डी गारु, साबरी साहब हैं हमारे, अलीम भाई हैं, नुड़ा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी साहब हैं, और जितने भी हमारे टीआरएस पार्टी के ऑलरेडी जो टीआरएस पार्टी में हैं सारे लीडर हैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्योंकि जनरली होता ही है पार्टियों में अगर कोई स्ट्रांग लीडर है दूसरे लीडर आ रहे हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं पार्टी, लेकिन हमारे टीआरएस पार्टी और हमारी कार इतनी बड़ी है कि जितने भी लोग आएंगे कार में बैठने के लिए जगह है, सबको एक इज्जत के साथ सबको एक रेस्पेक्ट के साथ कार में बिठा के तेज रफ्तार से तेलंगाना की तरक्की भी करेंगे और आप सबका भी ख्याल भी रखेंगे। आप सभी पार्टी से जुड़े सभी पार्टी में शामिल हुए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ में आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में हुआ अफान का जवाब, हाल ही में हुआ एमएलए इलेक्शन में बहुत ही बड़े तादाद में पूरे तेलंगाना की आवाम केसीआर साहब के साथ रह के 88 सीट से एमएलए जिता के अपने गवर्नमेंट को एक और बार तेलंगाना के आवाम ने मौका दिया है। अब तेलंगाना के आवाम के खिदमत के अलावा केसीआर साहब के जहन में कुछ और नहीं रहता है, सियासत तो अपनी जगह है लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तेलंगाना की आवाम के खिदमत में केसीआर साहब टाइम उनका पूरा बीत जाता है। क्योंकि हमारे स्टेट जो है पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद बहुत ही पिछड़ा हुआ स्टेट नहीं है लेकिन पीछे छोड़ा गया है हमारे स्टेट को, तो पूरा अभी धीरे 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 काम करते आ रहे। आज तक तो सिर्फ काम फाउंडेशन तक का हुआ है पिछले 5 सालों में, अभी आप सबके सहारे के साथ एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा इमारत बनाना है जो पूरा देश में पूरा मुल्क में लोग देखेंगे और उसको तारीफ करेंगे। आज ऑलरेडी आप जानते हैं पिछले 5 सालों में जिस तरीके के काम यहाँ पे हुआ, चाहे वो माइनॉरिटी में होने दीजिए मेजॉरिटी में होने दीजिए पूरा मुल्क में हमारा तारीफ होता है। आज माइनॉरिटी में जिस तरीके का काम चलता है, मैंने बहुत सारे मुसलमान लीडरों को पार्लियामेंट में मेरे साथ जो प्राइवेटली बात करते हैं तो वो कहते हैं मैडम अगर चाहे कोई मुसलमान सीएम भी होगा तो इस तरीके का काम मुसलमानों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके का सोच है जिस तरीके का हमदर्दी हमारे सीएम साहब का गरीब तबके के साथ है, चाहे वो मुसलमान होने दीजिए हिंदू होने दीजिए क्रिश्चियन होने दीजिए किसी के साथ गरीब आदमी अगर है गरीब तबका कोई है तो हमारे सीएम साहब चाहते हैं कि सबसे पहले उनके लिए टीआरएस पार्टी काम करे, सबसे पहले उनके पास हमारे स्कीमा जो है उनको पहुंचे। इसी सोच टीआरएस पार्टी रखती है, ऐसी सोच टीआरएस पार्टी रखती है, इसीलिए सभी को साथ में लेके चले। अभी देखिए हिंदूज का बतकम्मा फेस्टिवल होता है तो गवर्नमेंट से पैसा आता है, बोनालो फेस्टिवल होता है तो हर एक मंदिर में लाइट जलाने के लिए गवर्नमेंट से पैसा आता है, रमज़ान है तो गवर्नमेंट से 24 आवर्स सभी मसाइलों को करेंट रखने के लिए पैसा आता है। इफ्तार पार्टी पहले सिर्फ गवर्नर के बंगले में होता था, 2-4 अमीर लोग जाते थे या एमएलए एमपी से जाते थे लेकिन किसी गरीब मुसलमान के साथ कोई सीएम जुड़ के रमज़ान नहीं बनाता था, लेकिन आज तेलंगाना में तो एक नया तहजीब हम लेके आए हैं
जो पुराना अपना गंगा जमुना के तहजीब है उसको वापस लाना है। जिस तरीके के हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी का शान एक टाइम पे था, जिस तरीके का हमारा इज्जत था, उसको आज वापस लेने का, लेके आने का काम केसीआर साहब शुरू कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं केसीआर साहब हम लोगों को, चाहे वो एमएलए सोने दीजिए, एमपी सोने दीजिए, सभी को बोल के समझाते रहते हैं कि एक ज़माना ऐसा था कि मैं उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में चढ़ता था स्टेयर्स, तो वहाँ पे नीचे से लेके ऊपर के माले तक जब तक मैं पहुँचता, एटलीस्ट 100 to 150 मुसलमान हमारे ऑफिसर्स रहते थे और सलाम करते थे। लेकिन आज किसी गवर्नमेंट दफ्तर में जाता हूँ तो वो हालत नहीं है। 10-20% छोड़िए, मुझे लगता है 5% भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ नहीं, बहुत ही कम है। लोग और बीजेपी के लोग आज ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन है वो मरकज़ में सरकार बनाने के लिए है, तो उससे स्टेट के पार्टी को रीजनल पार्टी का क्या मतलब है, ऐसा उनका सवाल आज है। तो मेरा आप सबसे यही गुजारिश है कि हिंदुस्तान एक फेडरल नेशन है, फेडरल नेशन में स्टेट्स का तरक्की होता है तो ही पूरा मुल्क का तरक्की होता है। स्टेट अगर तरक्की नहीं करती है तो मुल्क अपने आप में तरक्की नहीं कर सकती। और आज का हिंदुस्तान में होता यह है कि हमारे तेलंगाना जैसे स्टेट्स जो यहाँ डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा के जितना भी टैक्स हम बढ़ाते हैं, ये टैक्स पूरा हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, तो उसमें से सिर्फ हमें 42% वापस आता है टैक्स, और बाकी हमारा पैसा जाता कहाँ है, जो भी और गरीब रियासत है उनमें हमारा पैसा बढ़ता है। तो आज इस मुल्क को खाना खिलाने वाले 4-5 रियासत अगर है तो हमारा नए नवेली बनी तेलंगाना रियासत भी उसमें से एक है। तो उस तरीके की तरक्की तेलंगाना में चल रहा है, और तेलंगाना में उस तरीके की तरक्की चल रहा है क्योंकि यहाँ एक रीजनल पार्टी है और यहाँ के नेता हमारे लोगों के मसाइल समझते हैं। कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, उनको हज़ार इश्यूज रहते हैं पूरे देश भर में, उनको तेलंगाना के बारे में सोचने का फुर्सत नहीं रहता। अगर एमपी हो, एमएलए हो, अपना आदमी है, अपने रियासत से रिश्ता रखने वाला आदमी है, हमदर्दी रखने वाला आदमी है, तो ही काम अच्छा हो सकता है। तो आगे चल के मेरे आपसे यही गुजारिश है, पूरे तेलंगाना में हमारे 16 एमपी सीट है, एक हमारे हैदराबाद का एमपी सीट है, उसमें असद भाई लड़ रहे हैं, वो भी अपना ही सीट है, तो पूरा 17 के 17 सीट जीत के दिल्ली में जाना है। और जो भी सरकार दिल्ली में बनता 17 एमपी के साथ अपना स्टेट के लिए जो भी काम है वो हम बराबर लेके आ सकते हैं। ऑलरेडी हम पार्टी हमारी एक तहरीक से आया हुआ पार्टी है, जद्दोजहद करके तेलंगाना को हासिल करके आया हुआ हमारा पार्टी है, तो हमारे जो भी काम है हम बहुत अच्छे से लड़ेंगे, जिद करेंगे, दिल्ली में बैठेंगे। एमपीज का नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स भी हमारे स्टेट के लिए लेके आ सकते हैं। तो अब सबसे मेरा इतना ही गुजारिश है, सेंट्रल का इलेक्शन है, स्टेट का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। सेंट्रल का इलेक्शन है फिर भी स्टेट के ऊपर असर पड़ता है, और आप बीजेपी को भी जानते हैं, कांग्रेस को भी जानते हैं, दोनों भी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। बीजेपी आपको डराता है, कांग्रेस आपको डराता है, अगर बीजेपी आ गया तो देखो आपका क्या हालत हो जाता है, बीजेपी भी वही डराता है, देखो कांग्रेस आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होता। 70 साल में या तो बीजेपी है या तो कांग्रेस है। लेकिन गरीब आदमी के बारे में, गरीब आवाम के बारे में जो सोचने वाले पार्टी से, उनको मौका मिलना चाहिए। ऐसा पार्टी टीआरएस पार्टी, और आप जानते भी, आप पिछले 5 सालों में महसूस कर चुके हैं कि किस तरीके के सोच टीआरएस पार्टी रखती है। तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, अपने सभी को समझाइए, अपने जितने भी मोहल्ले में लोग हैं, जितने भी अपने रिश्तेदार हैं, सभी को समझाइए, सेंट्रल इलेक्शन है, अपने से मतलब नहीं है, ऐसा मत सोचिए। सेंट्रल इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो, अल्टीमेटली अपने से ही मतलब रखता है। और ये इलेक्शन में टीआरएस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हुए, आज पार्टी से जो लोग भी जुड़े, मन बालकृष्ण अन्ना గురించి వస్తుంటే మొత్తం గణేశన చెప్తూ వచ్చిండ్రు, అన్న వచ్చిందంటే టీడీపీ వాషౌట్ అయిపోయినట్టే అని చెప్పిండ్రు, మరి టీడీపీ పార్టీని నిజామాబాద్లో లేకుండా చేసి ప్రజలకు సేవ చేయడానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో విచ్చేస్తున్నటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి అందరం కొత్తోళ్ళం పాతోళ్ళం అందరం కలిసి చన్నీళ్ళకు వేణీలు తోడైనట్టుగా కలిసి పనిచేసి అల్టిమేట్గా ప్రజలకు లాభం జరిగే విధంగా పార్టీని ముందుకు నడిపేయాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై తెలంగాణ. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. ప్రోగ్రామ్కి చీఫ్ గెస్ట్ అమరా బీబీ నిజామాబాద్ ఎంపీ
कविता मैडम जी, और एमएलसी आकल अंदर जी, मेयर साहिब आकल सुजाता जी, और स्टेट कॉर्पोरेशन चेयरमैन अली भाई, सीनियर फायर हमारे यासिन साबरी जी, नुड़ा चेयरमैन कबारगढ़ जी, और नैलम किशन जी, और बंदर नवरिता जी, तमाम मेरे भाई और मेरे बहन। आज ऐसा शख्सियत हमारा पार्टी में शामिल हुआ है। माइनॉरिटी में ऐसा कोई आदमी नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो फयाज भाई को नहीं जानते, और मेजॉरिटी में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बालक थे भाई को नहीं पहचानते। और यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे 10 साल पहले उसके एजुकेशन ख़त्म हो गया, जब से यूनिवर्सिटी बसा है तब से हर एक स्टूडेंट हमारे गोपाल रवि को नहीं पहचान रहे। और हमारे पापा खान जी भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पूरा मैनाटी में पापा खान जी को जानते हैं। अरे सारे जर्नलिस्ट भी है, बिजनेस भी है ना आपका, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग। आप पिछले असेंबली इलेक्शन में मजाज भाई हमारा पार्टी में शेयर हुए, ऐसा आने से पार्टी का ताकत भी बढ़ रहा है। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कई बार कम से कम एक 20-25 मीटिंग में मैं लिमरा गार्डन से जब बात किया कि मुझ पर भरोसा रखो, ये खुदाई जो भोजन रोड के ऊपर खुदाई हुआ, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज के पाइपलाइन डाले, ये आपको 6 महीने की तकलीफ है, इसके बाद आपको इतना अच्छा रोड होगा, फिर आप ही बोलेंगे साहब स्पीड ब्रेकर की जरूरत है। हमने वादा किया आपको, और खुदाई भी हो गई, रोड भी हो गई, और खूबसूरत आपको सेंटर मीडियम भी बन रहा है जो लिपरागढ़ के सामने है। हमारे पास देर होगा लेकिन अंधेर नहीं है। हमारा बहुत खुशकिस्मत है कि हमको कविता मैडम जी के जैसे एमडी मिले हैं। जितना पैसे चाहिए निजामबाद के लिए मैडम फंड लेके हमको सांचन करवाते हैं, और मैं आपको सर झुक के सलाम करता हूँ कि निजामबाद शहर का जो 5 तहसील से निजामबाद बसे हैं, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी निजामबाद वालों ने मुझे दिया। मैं आपके एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और कई लोगों से मैंने सुना कि निजामबाद माइनॉरिटी एरिया में गली गली में घुस के कोई हुकूमत ने ऐसा रोड नहीं डाले जैसा आप लोग डाले हैं। सिर्फ हमारे पास 4 साल के वक्त थे, उसमें बहुत कुछ किए, और आगे जो भी बचते हैं वो गली वाले पूछने की जरूरत नहीं है, जरूर हम उसको खत्म करेंगे। हमारे सामने अभी एक ही है कि एमएलए इलेक्शन तो हो गया, जबरदस्त मेजॉरिटी से जीता है, लेकिन मैं मैडम को एक वादा किया, जैसे केसीआर साहब ने कह रहे हैं कि 16 MLA 16 MP टीआरएस को जीतना चाहिए, तो ही हमारे ताकत बढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लड़ सकते हैं फंड्स के लिए, हमारे तेलंगाना आबादी के लिए, जैसे कि हम बहुत कुछ यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम एमएलए जितने भी 7 एमएलए निजामबाद पार्लियामेंट में हैं, हमने एक मीटिंग किया, मीटिंग में ये तय किया कि 16 MLA से 16 MP सीट्स में कविता मैडम जी को सबसे ज्यादा मेजॉरिटी देना है। हम दिन रात मेहनत करेंगे, आपके पास आएंगे, मिलेंगे। हमारे मैडम स्टार कैंपेनर है, स्टेट लीडर है, हमारा कुछ किस्मत है कि यहाँ पे निजामबाद से मैडम लड़ रही है। आप और हम सब मिलके 5 लाख से ज्यादा मेजॉरिटी देना चाहिए, तो तभी मुमकिन होगा कि हम हाथ जोड़ेंगे और साथ में काम करेंगे। निजामबाद से 26,000 जो मुझे मेजॉरिटी आया, मैडम को कम से कम 60,000 से ऊपर मेजॉरिटी चाहिए। मेरा पूरा उम्मीद है निजामबाद 45 साल 50 साल से कोई आगे नहीं बढ़े। मैं भी यहीं पैदा से हूँ, मैं इधर ही पढ़ा हूँ, कैसे गली थे, कैसे मेन रोड थे, मैं भी अपने आंखों से देखा, लेकिन आज ऊपर वाला हमको मौका दिया कि उसको सुधारने का। अभी आगे
बहुत कुछ पैसे मैडम दिलवाने वाली है, बहुत और आगे बढ़ना है निजामाबाद शहर को। और कई बार मैं कह चुका हूँ, पूरा तेलंगाना में हैदराबाद के बाद सबसे बड़ा जो शहर है वरंगल है, और बड़े बड़े जो शहर है करीमनगर है खम्मम है। मैं आपको वादा दिलाता हूँ मैडम के आशीर्वाद से, हैदराबाद के बाद तेलंगाना में कोई खूबसूरत शहर होगा तो निजामाबाद ही हमारा वादा रहते हैं। जरूर मेरा भाइयों, आगे अभी इलेक्शन के लिए फिर मीटिंग्स करेंगे, फिर आपसे मिलते रहेंगे। और मैं बालकृष्ण भाई को, फयाज भाई को, रवि और पापा खान जी और तमाम जो इनके साथ ज्वाइन हो रहे, राजमल्लू एक्स काउंसलर, तमाम मेरे भाइयों को मैं स्वागत करते हुए मेरा बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। सबके मेहमान खुसूसी ऑनरेबल एमपी कविता मैडम साहिबा, ऑनरेबल एमएलए गणेश अन्ना गारू और देश पे मौजूद सारे मेहमान खुसूसी और मेरे दोस्तों और भाइयों, आज टीआरएस पार्टी में शमूलियत करके जैन होने के बाद बहुत खुशी और मसरत का मौका है। और इस प्रोग्राम में जैन होने का मकसद यही था कि हम 92 से लिंगेश वे से युद्ध कांग्रेस, कांग्रेस हर तरीके से कांग्रेस को 92 से जुड़े हुए थे, लेकिन ये 5 साल में हम जब जब भी देखते गए, हर घर में हर तबके को, हर कम्युनिटी को टीआरएस पार्टी से और केसीआर साहब के सदारत में जो टीआरएस पार्टी बेनिफिशियर्स को तैयार करे, जो हर घर में बेनिफिट्स हो रहे हैं, हर कम्युनिटी को बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो हम भी ये सुनहरी तेलंगाना में पार्टिसिपेट करके हम भी सबके साथ जुड़ने की ख्वाहिश रखते हुए आज जैन कर चुके हैं। और आज जो भी लोग इस प्रोग्राम में हमारा ताउन करे, उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एमपी साहिबा और गणेश गुप्ता साहब आज जो मौका निकाल कर हमारे लिए मौका टाइम दिए हैं, वो सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, ये जो मौका दिया वो सभी लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं।